मेरा नाम नित्यानंद यादव है। जिस बीबी को एक दो तीन चार बच्चे हो और उसकी एक दो तीन गलती पर पति के ओर से तलाक दे दी जाए, फिर उसकी शादी ना हो और वह जिस्म बेचने वाली औरत हो जाती है, ऐसी स्थिति आ सकती है तो मुस्लिम कमेटी में तलाक क्यों, जबकि हिंदू धर्म में तलाक का प्रथा नहीं है। मेरा गुजारिश है डॉक्टर जाकिर से कि आपके जवाब पर सवाल पैदा हो सकती है। अगर मुझे आप संतुष्ट पूर्वक जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल कर लूंगा, क्योंकि मैंने विभिन्न जलसों में गया और देखा कि हिंदू धर्म गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो आज मुसलमान भाइयों 10,000 20,000 की कुर्बानी करते हैं, लेकिन 500 रुपया का एक बकरा ठाकर भैंसा खरीद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते हैं। और मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बार बार दरखास्त करूंगा कि आप मुझे संतुष्ट कर दीजिए, मैं इसी वक्त धर्म इंशाल्लाह कबूल करूंगा। मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम मजहब में अगर कोई औरत गलती करती है, एक दो तीन चार बच्चे हैं, एक दो तीन गलती करती है, मुसलमान उसे तलाक दे देता है, फिर वो औरत जाके बाजारी औरत बन जाती है, हिंदू धर्म में तलाक है ही नहीं, तो इस्लाम धर्म में तलाक क्यों है? बेसिक आपका सवाल है क्या, इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है? बराबर, हिंदू मजहब में नहीं, ये आपका बेसिक सवाल। बराबर भाई साहब, क्या जी सर, इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है? बराबर भाई साहब, जी क्यों तलाक है? आपके हिसाब से तलाक नहीं होना चाहिए। अक्सर मजाहब में तलाक नहीं है, डिवोर्स नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी आप पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी में गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5, उसमें पढ़ेंगे वर्स नंबर 31 और 32, इट हैज बीन टोल्ड ऑफ द ओल्ड टाइम दैट थाउ शैल नॉट गिव अ बिल ऑफ डिवोर्स। बट आई सेंड टू यू, पहले कहा गया था कि डिवोर्स देना गलत है, लेकिन मैं कहता हूं अनलेस आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करती है, फिर ही आप डिवोर्स दे सकते। तो ये बाइबल में डिवोर्स की एक शर्त है, उसके अलावा डिवोर्स नहीं दे सकते। और हिंदू मजहब में बिल्कुल सही फरमाते, हिंदू मजहब में डिवोर्स ही नहीं है, ये इंडिया में जो हो रहा है वो इंडियन पेनल कोड है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। इस्लाम मजहब में डिवोर्स क्यों है? इस्लाम मजहब में डिवोर्स है, लेकिन ये आखिरी मरहले पे आप इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि निकाह एक मिसाक है जो कुरान मजीद में लिखा है। निकाह इज अ मिसाक, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मियां बीवी, औरत और मर्द जब शादी करते हैं, निकाह एक मिसाक है, सेक्रेट कॉवेनेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम मियां बीवी होंगे। अभी कितनी बार आप जब बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ, अक्सर बिजनेस अच्छा चल जाता है, कई बार पार्टनर आपको पसंद नहीं आता, होता है कि नहीं? तो आप क्या करते, प्यार से उसके साथ पार्ट हो जाते। इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप मियां बीवी का करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइप आप कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, इंशाअल्लाह हम जिंदगी भर तक एक दूसरे के साथ अच्छा रहेंगे, लेकिन जब शादी होने के बाद चंद साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, आपको पता लगता है कि हम लोग एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि बीवी गलत होना चाहिए या शोहर गलत होना चाहिए, बहुत से बार दोनों अच्छे बट कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है ना। तो अगर मियां बीवी कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे हैं लेकिन कंपैटिबल नहीं, कंपैटिबल नहीं मतलब इन लोग में बराबर जचता नहीं है। आप आएंगे मगरबी मुल्क के जो कस्टम्स है, रीति रिवाज अलग है, हिंदुस्तान के अलग है, बहुत से बार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेगा ना। ईस्टर्न कल्चर अलग है, हम सभ्यता में मानते हैं, हम मॉडेस्ट है, वो वेस्टर्न कंट्री में बिकनी में घूमते हैं। आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो लात मारेंगे उसको ना, वेस्टर्न कंट्री में चलता है, आप समझे क्या? भाई साहब, भाई साहब जी समझते हैं, लेकिन ऐसी मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ।
मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। तो अगर आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो बोलेंगे भाई जाओ अपने अपने घर पे जाओ, वेस्टर्न कंट्री में चलता है, उनकी बीवी बिकनी में घूमती उनको कोई फर्क नहीं। और हो सकता है कि दोनों में से एक अच्छा नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे नहीं, तीन चीज हो सकती, दोनों अच्छे लेकिन कंपैटिबल नहीं है, या दोनों में से शोर अच्छा नहीं या बीवी अच्छी नहीं, या हो सकता है कि दोनों अच्छे नहीं। तो ऐसे मौके पे कुरान मजीद में अल्लाह सुबहाना ताला ने तरीके दिखाए किस तरीके से तलाक होना चाहिए। जब तलाक होता है तो तलाक की कुछ शरायत है कि पहले आपस में बीवी और शोहर बात करे, भाई क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कहा बीवी नमक ज्यादा डाली खाने में, आपने बोला तलाक तलाक तलाक। अब नमक नहीं ज्यादा पसंद तो बोलो बीवी को भाई नमक कम डालो, बैठ के बात तो करो। तो कुरान मजीद ने लिखा है पहले आपस में बात होना चाहिए, आपस में बात करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आर्बिटर लेके आओ, बीवी के घर के तरफ से बीबी के तरफ से एक आर्बिटर लेके आओ समझौता के लिए, शोर के तरफ से एक कोई बड़े को लेके आओ समझौता के लिए, एक मीटिंग करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझौता हो जाता है। फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो फिर आप तलाक दे सकते हो। तलाक देने का तरीका है तलाक 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 दे, तलाक दो, फिर तीन महीने रुको, कोई ट्रायल पीरियड है इद्दत का मौका। इस दरमियान तीन महीने में आपने तो बड़े जोर से बोले मैं बीवी के बिना रह सकता हूँ, दो हफ्ते में आपको डाला टेका भाव मालूम पड़ता है, आप बोले अरे भाई मुझे बीवी को ऑफिस लेके आ जाओ, अब रुजू करो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ट्रायल पीरियड भी अल्लाह ताला ने दिखाया है। अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ भाई साहब, अगर आपकी एक बहन है, आप अपनी बहन के लिए एक अच्छा शोहर तलाश करते हैं, भाई साहब आप सुन रहे मुझे ना? जी सर। भाई साहब आप सुन रहे हैं ना मुझे? हाँ सुन रहे हैं। हाँ, आप अपनी बहन के लिए अच्छा शोहर तलाश करते हैं, एकदम तहकीक करने के बाद, तहकीक के बाद आपको पता लगता है कि एक साल बाद आपकी बहन आपके पास आती है, भाई साहब वो शोहर जो आपने मेरे तलाश किया बिल्कुल गलत आदमी, क्या हो गया? वो रोज मुझे मारता है। क्या बात है? वो शराब पी के रोज मुझे मारता है, रोज मुझ पे जुल्म करता है, हर रोज बिना वजह मुझे मारता है, मैं उसकी खिदमत करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, फिर भी ये रोज मुझे आके शराब पी के मारता है। आप जाके उससे बात करेंगे, भाई क्यों शराब पीता है और क्यों मारता है? नहीं मुझे मजा आता है। आपके समझाने के बाद फिर भी नहीं मानता है, हर रोज मारता है, आप अपनी बहन को पसंद करेंगे कि उसके साथ ही जिए, या पसंद करेंगे वो तलाक लेके दूसरे के साथ शादी करे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब। हिंदू में देखा, हिंदू की बात नहीं करता हूँ मैं, आपकी बात कर रहा हूँ भाई साहब, हिंदू मुस्लिम को छोड़ो, मेरा ही बात कर रहा हूँ भाई साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन के लिए आपने अच्छा शोहर तलाश किया, एक साल बाद पता चलता है कि वो आदमी अच्छा नहीं है, शराबी है, जुआरी है, रोज आपकी बहन को मारता है, उसके साथ गलत हरकत करता है, अपने दोस्तों को लाता है आपकी बहन के साथ सोने के लिए, तो आपको पता चलेगा तो क्या करेंगे आप? आप पसंद करेंगे आपकी बहन इसको झेलते रहे, या पसंद करेंगे भाई उसको छोड़ दो दूसरे से शादी करो? आप क्या पसंद करेंगे? हिंदू को छोड़ो मुस्लिम को छोड़ो, आप क्या पसंद करेंगे? मैं अगर इस तरह का मेरा बहन हरकत करेगी, बहन हरकत नहीं, आपका बहनों भी हरकत कर रहा है, बहन तो बहुत अच्छी है आपकी, बहन तो बेचारी देवी जैसी है। मैं उनको सबक सिखाता हूँ कि देखो बहन, तुमको जो पति मिला है तुम उसी का सेवा करो, यानी चूंकि हम लोगों का धर्म जो है जब विवाह हो जाती है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, धर्म पे बाद में आऊंगा मैं। हाँ तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपके धर्म से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अपनी बहन से कहा कि भाई अपने शोहर की आप खिदमत करो, खिदमत करने के बाद भी रोज मारता है, उसकी क्या गलती बिचारे आपकी बहन की? आप बोलेंगे बर्दाश्त करो, आपको कल कोई मानने लगेगा, रोज आप पे जुल्म करने लगेगा, अगर बर्दाश्त करेंगे? आपकी बीवी आपको रोज मारेंगी आके बेलन से रोज मारेंगी, वो अच्छी मार्शल आर्ट्स की है, रोज आपको मारेंगी, आप उसको तनख्वाह लेके देंगे, रोज आपको मारेंगे, आप क्या करेंगे? कौन रिक्वेस्ट नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ आपकी बीवी रोज आके आप पाकिस्तान रिपोर्टर में, भाई साहब पाकिस्तान को छोड़ो, मैं आपसे भाई साहब मुस्लिम कमेटी की औरतों से, भाई साहब सुनो मेरी बात ना, पाकिस्तान को छोड़ो हिंदुस्तान को छोड़ो, मैं आपसे सवाल पूछ, आपने मुझे सवाल किया मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है छोड़ो, मुझे भी आपकी फिक्र है जी। आपको अगर आपकी बीवी रोज मारती है, हाँ जी, रोज आपको मारती है, रोज जाके बाहर ऐश करती है, आप क्या करेंगे? मैं उनको समझाऊंगा। नहीं समझती है और वो बहुत अट्टी कट्टी है, समझाएंगे तुमको दो समझाएंगे, क्या करेंगे? अगर नहीं समझती है तो
तो मैं एक किला बनाऊंगा और उस किले में मोटे रस्सी से बांध करके उसको रखूंगा। अरे वो तुमको बांधेंगे, वो हट्टी कट्टी है, तुम क्या बांधेंगे उनको? नहीं, ऐसा तो मैं उसको कभी भी किले के अंदर तलाक का तो भाई साहब बात नहीं करेंगे। भाई साहब अब दिखने में कैसे मुझे नजर आ रहा टेलीविजन पे, मैं बोल आपकी बीवी अगर एकदम हट्टी कट्टी है आप क्या उसको किले से बांध देंगे? वो एक झापड़ आपको मारेंगी, आप गिर जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे बोलो? हम लोगों का जो औरत है रोज मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है। अरे भाई साहब आपको अच्छी बीवी मिली है, ईश्वर हमारे पति के लिए लंबी उम्र चाहिए। भाई साहब आपकी बीवी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर हाइपोथेटिकली अगर आपकी बीवी ऐसी होती, आपको भगवान ने अच्छी बीवी दी तो आप किस्मत वाले हैं, अगर आपकी बीवी सही नहीं होती तो आप क्या करते थे? सर एक दो परसेंट हो सकते हैं लेकिन आम में नहीं और मुस्लिम में। एक दो परसेंट, एक दो परसेंट की बात करो, क्या करते थे आप? जी सर आप एक दो परसेंट क्या करते थे? अगर एक दो परसेंट में ऐसी मक्कार बीवी निकली या मक्कार शोहर निकला तो आप क्या करेंगे? एक दो परसेंट में होता है लेकिन क्या करेंगे आप? हम मुसलमानों के समाज में जाते हैं और देखते हैं कि रोज तलाक दिए जाते हैं, रोज तलाक। मुसलमान पे बाद में आऊंगा ना, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ अगर आपकी बीवी आपसे ऐसी हरकत करने लगी या आपका बहनों भी आपके बहन को रोज मारता है तो आप क्या करेंगे? एक परसेंट होगा, दो परसेंट बोलते, मैं एक परसेंट बोलता हूँ, आप क्या करेंगे? मैं तो कदापि तैयार नहीं होऊंगा। नहीं छोड़ देंगे ना? मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। क्या करेंगे? मैं किले में बांध करके रखूंगा। अरे आप नहीं बंद कर सकते ना, वो आपसे ताकतवर है भाई साहब। नहीं नहीं, अरे है एकदम, आपकी बीवी है भाई साहब अच्छी है जी। नहीं मैं खाली हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, अगर ऐसी बीवी होती थी तो क्या करते थे? नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है। हुआ नहीं, आप किस्मत वाले भाई साहब। नहीं तमाम मुसलमानों का हम सोच रखने वाले हैं, सोचते हैं। आता हूँ भाई साहब, मैं सब जवाब दूंगा आपको। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके साथ ऐसी हरकत हुई, आपकी बहन को अगर कोई रोज मारता है, आपका बहनों भी रोज परेशान करता है, लाल पीला करता है, शराब पीता है, जुआरी है, तो आप क्या बोलेंगे बहन को? मैं तो कदापि तैयार नहीं होगा ये बात में। नहीं नहीं क्या बोलेंगे आप अपनी बहन को? बहन को बोलेंगे कि नहीं छोड़ दो? नहीं तुम जाओ उसके कदमों में जाके पड़े रहो। वो कदमों में ही मारता है उसको? कदमों में ही तुम मर जाओ, कदमों में ही मर जाओ। तो क्या ये इंसानियत है? नहीं। ऐसे धर्म को मानते हैं आप? जी ऐसे धर्म को मानते हैं कि जो शोहर अगर पति के द्वारा मारे जाते हैं तो जन्नत का हकदार हो सकते हैं? ये किधर लिखा है? आप ऐसी किताब में मानते हैं? अगर ऐसी किताब में लिखा तो हर शोहर अपने बीवी को मारने लगेगा ना, हर शोहर मारने लगेगा, बोलेगा चलो यार वो जन्नत में जाएंगी मारो। नहीं तो हम तो बता रहा हूँ सर कि एक दो बात हो सकते हैं। आप जो बोल रहे इसीलिए जितनी नाइंसाफी औरतों पे हो रही हिंदुस्तान में उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि हिंदू औरतों पे जब नाइंसाफी होती है वो चुपचाप सहन करती है, क्यों? उसको आवाज उठाना चाहिए। मुसलमान औरतें आवाज उठाती है तो आपको दिखने में आता है जो आप बोलते हैं। तलाक कितने लोग का तलाक यहाँ पूछेंगे, मजबिज में लाखों लोग है, कितने लोग का तलाक हो तो 1% भी नहीं मिलेंगे आपको। भाई साहब यहाँ आप अगर सर्वे लेंगे कितने लोग का तलाक हो, 1% भी नहीं मिलेगा। अभी तो भाई साहब हिंदू राष्ट्र है जो कोर्ट में दायर कर दिए जाते हैं, इसलिए तलाक। अगर तलाक की फीसद देखी जाएंगी तो मैक्सिमम 2-3% होगा, लेकिन ये 2-3% पे जो जुल्म होता है, हो सकता है 5% पे जुल्म हो रहा है, 3% औरत आवाज उठा रही है। हिंदू के अंदर कितना जुल्म हो रहा है वो सहन कर रही है, क्योंकि लोग बोलते हैं क्या वो जाएंगी जन्नत में, क्या सही है ये? ऐसा धर्म हो सकता है कि जुल्म करे? अने तुम्हारा शोहर तुम्हारा ईश्वर, वो शराबी भी है, जुआरी भी है, तुमको मारता भी है, तुम्हारे साथ दोस्तों से बलात्कार कराता है, फिर भी ईश्वर? कैसा ईश्वर? ईश्वर एक है, तुम्हारा शोहर नहीं, शोहर ईश्वर नहीं है भाई साहब, ईश्वर एक है, ऊपर वाला ईश्वर है, शोहर कभी ईश्वर होता नहीं। हाँ शोहर की इज्जत करना चाहिए, लेकिन इज्जत करने की हद होती है, अगर हद से बाहर हो जाता है तो इस्लाम में इजाजत है कि वो अलग हो सकते हैं, शोहर भी अलग हो सकते हैं, औरत भी अलग हो सकते हैं, तरीके है, तलाक है, खुला है, निकाह फस्क है, तो इसके अंदर इस्लाम में कहा गया है कि शोहर की इज्जत करो। ये भी कहा गया है शोहर को कि बीवियों से अच्छा बर्ताव करो,
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सबसे अच्छे मुस्लिम वो जो अपने खानदान के लोगों से अच्छे है, खुसूसन अपनी बीवियों के साथ। तो कुरान में लिखा है और हदीस में भी लिखा है कि आप अपनी बीवियों की देखभाल करना चाहिए, और बीवियों से कहा गया कि आप अपने शोहर की देखभाल करना चाहिए। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में, हुन्ना लिबासुल लकुम वअंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि आपकी बीवियां शोहर का लिबास है और शोहर बीवियों के लिबास है। लिबास मतलब एक दूसरे को अपने सहारा देते, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते, एक दूसरे को ब्यूटीफाई करते हैं। ये इस्लाम है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। उसका मतलब नहीं कि आपने शादी कर दी तो जुल्म भी करो। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर औरतों पे जुल्म हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है, गांव-गांव में जुल्म हो रहा है, लेकिन आवाज नहीं उठ पी। आप जैसे भाई अगर होंगे औरत के पास तो औरत कैसे नजात पाएंगी? आप जैसे भाई है जो बोलेंगे कि कदम में पड़ो मर जाओ जन्नत में जाएंगे, तो कौन बहन दुआ करेंगी कि ऐसा भाई उसके पास हो? कौन बहन दुआ करेंगी? बोलेंगे मेरे पे जुल्म हो रहा है, मेरी जहन्नम बन रही है, और मेरा भाई बोलता है जन्नत जाएंगे। कैसा ये कैसा इंसाफ है? इसीलिए लोग दुआ करेंगे ऐसे भाई से मुझे निजात दो, ये भाई से छुटकारा दो। और इस्लाम में जुल्म करना हराम है, जुल्म बर्दाश्त करना हराम है। आप अगर जालिम का साथ देंगे तो आप भी दोषी है, वो जन्नत में तो जाएंगी, तुम जाएंगे नर्क में। समझे भाई साहब? भाई साहब, इस्लाम में भाई का धर्म है कि अपनी बहन की रक्षा करे। अगर बहन पे जुल्म हो रहा, भाई बोलेगा जाओ जाओ, तो बहन तो हो सकता है स्वर्ग में जाए, बेचारी बर्दाश्त करिए, तुम नर्क में जाएंगे, तुमको कौन बचाएगा? क्या भाई साहब, आप नर्क में जाना चाहते हैं स्वर्ग में? भाई साहब, सर मानता हूँ आपका बात। आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं नर्क में? स्वर्ग में ही तो जाना चाहेंगे। तो आप अपने बहन को नर्क बना रहे जिंदगी को, और आप जाना चाहते स्वर्ग में? हाँ, आप अगर औरत होती थी तो, अगर खुदा आपको औरत बनाता था और आप पे जुल्म होता था, आप क्या करते थे? हाँ, वो धर्म होना चाहिए जो सारे इंसान को यकसा मानता है। कुरान शरीफ में लिखा गया है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुउबन व क़बाइला लितअरफु इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि यत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से बनाया मर्द और औरत के, और आपको तकसीम किया है कबाइल में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करो। और सबसे बेहतरीन इंसान वो जो तकवा रखता है, जो अल्लाह सुबहाना ताला के कहने पे अमल करता है, इसे कहते हैं तकवा। कुरान में एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा कैसे हो सकता है? ना जिन्स के बुनियाद पे, ना पैसे के बुनियाद पे, ना रंग के बुनियाद पे, ना देश के बुनियाद पे, लेकिन तकवे के बुनियाद पे। तकवा मतलब गॉड कॉन्शियसनेस, राइटियसनेस, पायटी। आप अच्छे इंसान बन सकते जब भी आप अच्छे इंसान होंगे, राइटियस इंसान। आप खुद अपनी बहन के लिए हक नहीं चाहते तो आप कैसे भाई है फिर? भाई साहब, आप अपनी बहन को कहते हैं कि आप उसके कदमों में मरो क्योंकि आपका मजहब कहता है, बराबर? भाई साहब जी, आपका मजहब सही कहता है? ऐसा तलाक करना तो सही नहीं लग रहा है। और बहन के ऊपर जुल्म हो रहा है, सही लग रहा है? जुल्म तो कम परसेंट में देखे जा रहे हैं। आपको कैसे पता है? आप तो बोलते चुपचाप रहो, तो वो तो आवाज भी नहीं उठा रहे, तो मालूम कैसा पड़ेगा? कम से कम मुसलमान औरतें आवाज उठा रहे ना। चुके तो देखा गया। देखा गया? क्या देखा गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर जुल्म हो रहा है, आपने बोले क्या उसे चुपचाप सहन करना चाहिए? अगर ऐसा करे तो अक्सर आदमी जुल्म करने लगेंगे। मुसलमान सोचेंगे ज्यादा जुल्म करेंगे तो बेचारे छोड़ के चले जाएंगे, मैं फंस जाऊंगा, खाना मुझे पकाने पड़ेगा फिर, बराबर ना? वो छोड़ के भाग जाएंगे। तो वो हिंदू तो अच्छा भाई, मारो भी, कुछ भी करो, ऐश करो, रोज मारो तो भी मैं साथ रहूंगी। कैसा ये मजहब है? हिंदुस्तान में भी गलत है, शोहर बीवी को थोड़ी मार सकता है। रोज शराब पी के जुआ खेल के मारेगा तो पुलिस को पता चलेंगे, पुलिस भी अंदर कर लेंगे आपके बहनोई को। आप समझ रहे भाई साहब? आप समझ रहे क्या? नहीं समझ तो गए हैं, लेकिन सर लेकिन कबूल करना मुश्किल पड़ता है। लेकिन नहीं सर, कबूल करना हमेशा मुश्किल है भाई साहब, क्योंकि देखा गया कि जितने बीवी को तलाक दिया गया उसकी दोबारा शादी अगर नहीं करा सका तो वो बेचिया बन जाती है, बाजार में जाके जिस्म बेचती है। अगर आपके ये राय है तो आप दूसरी शादी कराओ ना,
इस्लाम में दूसरी शादी करना अच्छी बात है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बीवी जब की, शी वॉज विडोड, उनके शोहर मर चुके थे, अब समझे ना। और जितनी भी बीवियां जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक को छोड़ के, अक्सर इधर विडोड थे या डिवोर्सी थे, अब समझ रहे ना। तो इस्लाम में अच्छी बात है अगर आप डिवोर्सी से शादी करते हो, उसमें बुरा थोड़ी है। हमारे हिंदुस्तान में एक कलंक है डिवोर्सी से शादी करना, इस्लाम में नहीं। साहबा के दौर में साहबिया भी अच्छी थी, साहबा भी अच्छे थे, दोनों कंपैटिबल नहीं थे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा छोड़ दो भाई, दूसरे से शादी करो। दोनों अच्छे थे लेकिन आपस में उनका मेल नहीं होता था, तो जुड़ा होता, आप दूसरे से शादी करो, आप दूसरे से करो। इतना आसान मतलब, जरूरी है कि जबरदस्ती अगर स्क्वायर को आप राउंड में डालेंगे, फिट नहीं हो रहा तो आप दबा के करेंगे फिट। डोंट ट्राई टू पुट अ स्क्वायर इन अ राउंड होल, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल इफ यू ट्राई टू पुट। अगर स्क्वायर को राउंड में डालेंगे फिट नहीं होएगा। अगर फिट नहीं हो रहा है तो आप पाठ करो अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत के साथ। उनको खाली पीजी कोर्ट के अंदर जाके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ मत उछालो, प्यार से अलग हो जाओ, आप दूसरी शादी करो, ये दूसरी शादी करेगा, ये सबसे बेहतरीन है सारे इंसानों के लिए। और दोनों जन्नत में भी जा सकते हैं ना, जरूरी क्या क्या वो शख्स इतना जुल्म उठाए। हक तो आपको पता है लेकिन मानना मुश्किल है आपके लिए, बराबर भाई साहब ना जी। और एक सवाल छिपा हुआ है जो थोड़ा उनका खुलासा कर देते तो मैं सोच विचार के देख लेता। क्या सवाल है आपका, सोच विचार क्या? आपको जवाब देने के बाद भी आप बोलते मानते लेकिन कबूल करना मुश्किल है।